तो हम मुझसे पूछते कि माँ जी किधर जाना है, कभी वो कहीं बिलालगंज, कभी कहीं मोनी रोड, रात के 2 बजे हम लोगों के दरवाजे नोक कर रहे हैं, अम्मा जी ढाडी तो नहीं, अम्मा जी ढाडी तो नहीं। अगर आपने कोई नेकी के काम करने हो तो आप कहीं जी अम्मी जी 1000 रुपया दे दे, नेकी करनी है, तो ये नेकी नहीं है। हमने लोगों को भूखों को खाना खिलाना है। वो वहाँ पे वो बच्चे हमारे पाँव में गिर रहे थे, देखे क्या लड़ रहे थे कि हमें बिरयानी खानी है। मैंने कहा यार हम क्या काम कर रहे हैं, हम जहेज तो दे नहीं रहे, हम दवाइयाँ तो दे नहीं रहे, हम खाना दे रहे हैं, हम फूड बॉयज हैं। तो हमजा सब अब तो माशाल्लाह आप जा रहे 3-4 साल तो माशाल्लाह से हो गए आपको एज ए होस्ट जो है प्रोग्राम करते हुए भी, कभी लाइफ में ऐसा वक्त आया मतलब ड्यूरिंग हम प्रोफेशन कह सकते हैं कि हमजा खुद भी परेशान हो गया कि यार क्या मतलब एकदम से आपको तो बड़ी ऐसी फीलिंग्स आ रही हो कि समझ लगे बैड मोमेंट अगर आपका लाइफ का रहा हो तो किस को कह सकते हैं, कौन सा टाइम ऐसा था जब खुद से परेशान भी हो गए? एक तो होता मोटिवेशनल भी है लेकिन एक मेरी टाइम ऐसा आता है, ये भी थोड़ा मोटिवेशनल ही है। और मेरा ख्याल है उस टाइम मेरे पे ऐसा लग रहा था कि सबसे बुरा वक्त आ गया, और वो मेरी एक स्टोरी वायरल भी बड़ी हुई थी। मैं ऑफिस से घर गया वापस सर्दियों में, पिछले 2 साल हो गए ठीक है। तो साजिद भाई मैं ऑफिस से घर गया, मैं अपने अक्सर दोस्तों को बंदा मिलने चला जाता है, तो मैं दोस्तों को मिलने गया तो बारिश हो रही थी बड़ी तेज़, दिसंबर या जनवरी का महीना था, शदीद तेज़ बारिश हो रही थी, रात 12:30 का टाइम था, अंधेरा फुल फोक धुंध धुंध हर तरफ। तो मैं अपने दोस्त के घर के बाहर गया हूँ, हम वहाँ बैठे हुए हम, वो उसने कहा जी बर्गर वगैरह खा लो, तो हम खा रहे हैं बातें कर रहे हैं दोस्तों से, सैटरडे नाइट थी शायद। एक बाइक पर एक बंदा आया, उनके पीछे एक अम्मा जी बैठी हुई थी जो कि नबीना थी, वो उन्हें मेरे पास उतार के चला गया। अच्छा, अब मैं 5 मिनट ऑब्जर्व करता रहा, मैंने कहा शायद मैंने पूछ लिया जाके माँ जी किधर जाना, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो काम होता है ना, हमसे अक्सर लोग पूछते हैं जी तुम काम की कर दो, तो हम उन्हें कहते हैं अगर हम आपके पास भी बैठे हैं तो हम ऑन ड्यूटी हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पे भी कुछ मिल सकता है, अभी यहाँ पे भी कोई मसला हो सकता है, तो हम ऑन ड्यूटी हैं 24 घंटे, हमारा कोई सरकारी टाइम नहीं होता, हमें रात के 2 बजे भी कोई स्टोरी मिल जाए तो जाना पड़ जाता है, और दिन में भी मिल जाए तो जाना पड़ता है। अम्मा जी मेरे पास बैठ गई, मैंने कहा माँ जी कुछ खा लें, बर्गर खा लें, शायद भूखी थी उन्हें भूख लगी हुई थी, उन्होंने खा लिया। मैं 5 मिनट 10 मिनट मैं कहा शायद कोई उतार के गया, क्योंकि मैंने देखा था बाइक पर उतार के गया, मैंने कहा अभी लेने आ जाएगा। सर 1 बज गया, बारिश तेज हो रही है, मैं कहा माँ जी किधर जाना है, वो अम्मा जी को समझ ही ना आए कुछ, अम्मा जी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब हमने बैग वगैरह शॉपर चेक किए, ना कोई बीच में आईडी कार्ड, ना कोई कॉपी, ना कुछ चीज़। अच्छा। हम परेशान, हम 15 पे कॉल कर रहे हैं, पुलिस भी नहीं आ रही, वो भी फिल्में चला रही हैं भाई, पुलिस वाले क्या कहते हैं जी, फ़ोन कर रहा हूँ पुलिस वाले कहते हैं जी घर ले दो, अच्छा अपने घर रख लो। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं घर ले जाता हूँ, अगर इन्हें कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, कोई मेरे पे आके कह दे जी तू लेके गया है तो होया, मुझे कोई पता तो ना है कौन इनके है, पीछे कौन है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, इनका मकान नंबर क्या है। बिल्कुल सही है। तो कहते जी आते हैं पुलिस वाले भी अलबत्ता 1 घंटा फिल्में चलाते रहे मेरी, तो मशवरे देने लग गए जी शेल्टर होम ले जाओ, ये वो इधर ले जाओ उधर ले जाओ। तो साजिद भाई वो अम्मा जी रो रही थी बैठ के और मुझे कह रही थी कि मैं अपनी धी के घर जाना, मैंने नूह ने करों कटता। अच्छा, वो थोड़ा मेंटली भी डिप्रेशन में थी, परेशान थी। तो हम मुझसे पूछते कि माँ जी किधर जाना है, कभी वो कहीं बिलालगंज, कभी कहीं मोनी रोड, कभी वो कहीं शेरांवाला, यकीन जाने हम 4 बजे तक उनको बाइक पे नहीं बिठाया, बारिश हो रही थी, हमने एक एमरजेंसी में उस टाइम रिक्शे वाला जा रहा था बारिश में, हमने उसको रोका, हमने कहा यार जितने पैसे बनेंगे ले लें, अम्मा जी को पहुँचाना है ठीक है। अब हम मोनी रोड जा रहे हैं, बिलीव करेंगे हमें गालियाँ भी बड़ी पड़ी, रात के 2 बजे अब हम लोगों के दरवाजे नोक कर रहे हैं, अम्मा जी ढाडी तो नहीं, अम्मा जी ढाडी तो नहीं, अम्मा जी ढाडी तो नहीं, वो हमें गालियाँ भी दें लोग के कोई ग्रुप है या तंग करने आए। तो बड़ा वो मुश्किल हुआ हमारे लिए 2-3 घंटे, पुलिस नहीं आई। अच्छा, पुलिस फिर भी नहीं आई, बड़ा अफसोस का मुकाम था कि पुलिस नहीं आई। फिर क्योंकि मीडिया में आए तो उन्हें बताया कि जी मीडिया में, हमने जरा CTO लाहौर साहब को कॉल वगैरह की, ठीक है। तो फिर उन्होंने शफीकाबाद थाना लगता है वहाँ से पुलिस भेजी। तो फिर अम्मा जी को हम लेके गए शेल्टर होम में जो दरबार के बिल्कुल ओपोजिट है, उन्होंने कहा जी के खतून है, हम इनको थाने नहीं ले जा सकते, हम इनको शेल्टर होम में जमा करवा देते हैं। सही, बेबसी का ये आलम है हमारे मुल्क में, दुख भी होता है। हम शेल्टर होम में लेके गए, उन्होंने कहा जी के हम नहीं रख सकते। अच्छा, इन्हों बाहर रख दो, जगह ही नहीं, जगह नहीं है, हम रख ही नहीं सकते।
जगह पता नहीं थी या नहीं, उन्होंने कहा जी हम नहीं रख सकते। और टाइम रात का था, रात के 2 से 3:30 बजे का टाइम, और बारिश तेज हो रही है, और ना बंदा ना बंदे की जात, और अम्मा जी को दिखाई नहीं देता, नबीना अम्मा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रहा है जी हम नहीं रख सकते, घर रख लो। हम फिर कह रहे हैं यार इन्हें कुछ हो गया रात को, कौन जिम्मेदार है, तब आप हमें पकड़ने आ जाओगे। जो गवर्नमेंट ने अदारे बनाए ने वहां पे रखो, अलबत्त उन्होंने वहां पे भी नहीं रखा। हम 3 बजे तक बहस करते रहे, दरवाजे नोक करते रहे, फिर वहां से हमने डिफरेंट चैनल्स पे कॉल की, चैनल्स वाले आए रात को ही। अच्छा। फिर हमने वो कवरेज लाइव चलवाई, तो वो फिर अच्छा खासा उनको रगड़ा भी लगवाया, ठीक है। फिर अम्मा जी को हमने वहां स्टे करवाया इस बिहाफ पे कि हम इन्हें सुबह लेने आएंगे शेल्टर होम में। शेल्टर होम में वो कह रहे थे कि तुम छड़ जाओगे, लैन नहीं आओगे। अम्मा जी का जहनी तवाजन भी दुरुस्त नहीं, तो तुम लैन नहीं आना। हमने उनको शॉर्टी दिलवाई, अपना आईडी कार्ड रखा कि मैंने खुद के मैं इन्हें लेके जाऊंगा। फिर वेरी नेक्स्ट डे मैं सुबह उनको खुद अम्मा जी को रिसीव किया। अच्छा। उनको थाने लेके गया, उनको फिर ईदी में जमा करवाया। तो ये जो वाकया था ना मेरी लाइफ का एक रुला देने वाला था, मतलब शायद जो रियल में था वो अभी आप नहीं फील कर रहे होंगे, जो बारिश का टाइम हो और रात का वक्त हो और आपके पास एक ऐसी खतून जो आपकी दादियों नानियों की उम्र की हो, उसको दिखाई भी ना देता हो और ज़हनी दवाज़ुन भी दुरुस्त ना हो। तो ये मामला था जो मुझे रुलाता है, अभी भी याद करता हूँ, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ कि हम कितने लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। तो ये वाकया था, फिर उसको हम लेके चलते रहे, बाद में हमें पता चला, फिर हमने उनके घर का भी ड्रेस निकलवाया। अच्छा। नारंग मंडी, जब सोशल मीडिया पे वायरल होगी वीडियो, फिर नारंग मंडी के लोगों ने रापता किया मेरे से कि यार ये तो हमारी मल्लेदार है, इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये घर से गायब हुई हुई है। फिर हम उनको लेके उनके घर छोड़ गए नारंग मंडी में, तो फिर खुशी भी बड़ी हुई थी कि यार हमें कोई ऐसे उतार के गया। उनके घर वालों ने भी बड़ी दुआएं दी, जो हम पहले ये समझ रहे थे कि घर से निकाल दिया गया, तो वो फिर हमारा वो भी कंसेप्ट गलत हुआ कि घर से नहीं निकली, वैसे ही मजबूरी में रास्ता भटक गई है। तो वो हमारे लिए बड़ा मेमोरेबल काम था। मैं वही कहता हूँ जाहिर है, ये एक अल्लाह लोगों से काम लेता है, जिस तरह वो कोई भी शख्स होगा जिसने भी बाइक पे उसको वहाँ पे छोड़ के चला गया, उससे इतना काम लेना था, लेकिन हमजा से अल्लाह ताला ने काम लेना था। और इस तरह उन्होंने ना सिर्फ ये कि पूरी रात वो जिस तरह भी गुजारी, जाहिर है कि तूफ़ानी रात, जिस तरह हम कह सकते हैं कि बारिश का मौसम भी है, सर्दी भी है, और किसी का अता पता भी नहीं, और लेके जा रहे हैं हर जगह पर, हर अदारे के अप्रोच क्लियर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगा, अलमिया है हमारे अदारों के लिए भी, ख़ासतौर पर पुलिस वालों के लिए ख़ासतौर पर। फिर शेल्टर होम का मकसद क्या होता है? नाज़रीन, शेल्टर होम बने इसलिए होते हैं कि आप वहाँ पे जो गैयारों मददगार लोग हैं उनको पनाह दें, उनको रखें, और उसकी फिर ज़ाहिर देखभाल करें। जो भी ज़ाहिर हम मैंने भी खुद विज़िट किए हुए हैं, शेल्टर होम वालों का यही गिला होता है कि यहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं और उसको लेने कोई नहीं आता। बहरहाल फिर भी ये आपका फ़र्ज़ बनता है शेल्टर होम वालों का भी कि लोगों को रखे, ताकि वो जैसे ट्रीटमेंट उनका हो, अच्छे हो, तो दोबारा से बैकअप कर सकें। लेकिन हमजा का ये गुड पॉइंट है कि उन्होंने एक पूरा उस स्टोरी को जो है उसको कंप्लीट किया, उनको दरमियान में रस्ते में नहीं छोड़ा, क्योंकि ये इंसान का ज़मीर होता है जो उसको ना झंझोड़ता है कि मुझे पता था कि मैं अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद, इनके साथ क्या होगा। लेकिन हमजा ने ये चीज़ें पूरी की। हमजा के नाज़रीन एक और पहलू भी है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि यही इसी स्टोरी के बाद हम ज़ाहिर उसकी तरफ भी बढ़ेंगे कि हेल्प आउट करना, लोगों की मदद करना। आजकल मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग जो है एक दूसरे को लूट रहे होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बड़ा आम हो चुका है, और इसी तरह लोग धोखा बड़ा हो रहा है। लेकिन हमजा जिसकी हम बात करें, जो हमारे आज मेहमान हैं, वो इस पहलू में भी जो हैं वो बड़े आगे हैं, हमसे बड़े आगे पहुँचे हुए हैं। मोटिवेशंस जिस तरह खुद कह रहे हैं और हमें भी पता है, बड़ी कम एज में उन्होंने ये सारी अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो हमजा, फूड बॉयज़ का ख्याल कैसे आया था? बिल्कुल ऐसे ही है। फूड बॉयज़ का ख्याल कैसे आया साजिद भाई, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है, हाँ, इसके वेरी नेक्स्ट वीक हमने फूड बॉयज का आगाज किया था। अच्छा, जबरदस्त। मतलब इसी स्टोरी के बाद इस इंसिडेंट, हाँ। मेरा ख्याल है कि वो जो बाइक पे बंदा छोड़ के गया ना, ठीक है, उसको मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए शायद कोई गुड लक थी, एक अपॉर्चुनिटी आपको देके चला गया। लेना था काम तो वो बाइक वाला उतार के गया, हम तब बाइक वाले को बुरा भला कह रहे थे, और हम ये समझ रहे थे कि उनका बेटा है, जानबूझ के छोड़ के चला गया, कि उनको बिठा के। मगर वो अम्मा जी, उसने भी नेकी की कि वो अम्मा जी को कहीं रास्ते में से उठा के लिफ्ट दे के आया, ठीक हो गया, क्योंकि अम्मा जी ने उसको कहा जी बिलालगंज जाना है, तो वो बिलालगंज तक ले आया। आगे उसको समझ नहीं आई तो उसने उतार दिया,
इसलिए कि लड़के बैठे हैं अब ये खुद ही देख लेंगे, शायद वो ये समझ रहा हो कि मोहल्ले के लड़के हैं, अम्मा जी बिलालगंज कह रही हैं तो ये बिलालगंज के इलाकों में रास्ता चले जाएंगे, घर उनके इधर ही चले जाएंगे, वो इसलिए उतार के चला गया। मगर वो जो रात थी ना, हमें पता है कि हम बारिश में रक्षा लेके कैसे कैसे घूम रहे थे, और सारे दोस्तों का जो उस टाइम जज्बा था कि यार अब इस तरह के काम करने हैं, सुकून मिला जो हमें उसके बाद ज़हनी तो वाकई में, और जो नींद आई मजे की, और वाकई मतलब लगता है ना मैंने काम किया है उसके बाद ही कोई तीन चार दिन में ऐसी ऐसी कामयाबियां मिली जिंदगी में कि जबरदस्त, मैंने कहा यार ये काम करते हैं मजा आएगा, फ्री टाइम में हम बैठते हैं बाहर तो अगर हम अल्लाह की राह में कर दें तो क्या है। बिल्कुल, फिर हमने प्लान बनाया कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार बता रहा हूँ मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं कि जी पापा को कह दिया जी पापा जी 1,00,000 रुपए दे दें मैंने सुबह इसको देना, माँ बाप की वजह से यहाँ पे बैठे, बिल्कुल माँ बाप के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं होता, मगर उन्होंने अपने मामला भी देखने होते हैं, घर चलाना होता है पूरा, जाहिर है वो सारी जिम्मेदारियां, और भी बहन भाई होते हैं उनकी शादियां एजुकेशन वगैरह सब कुछ, तो बंदा इस तरह के काम फैमिली से नहीं कर सकता। अगर आपने कोई नेकी के काम करने हो तो आप कहें जी अम्मी जी 1,000 रुपए दे दे नेकी करनी है, तो ये नेकी नहीं है, बिल्कुल आप खुद मेहनत करें, रिसोर्स पैदा करें जिससे आप नेकी करें। तो मैंने दोस्तों को कहा कि यार हम ना कोई ऐसा अदारा बनाते हैं जिसमें हम भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, करना कैसे है, वो मुझे ज़रा सारे दोस्त हैं वो टीवी पे भी देखते हैं ज़रा अप्रिशिएट भी करते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि अब तुम नहीं बताना जो करना है लेके कैसे चलना है। मैंने कहा ठीक है, हम देखो वाले के पास चले गए, मैंने कहा जी हमने एक एनजीओ बनाना है, ठीक है आप भी हिस्सेदार बन दें, कोई ओनर नहीं है कोई बंदा नहीं है सीईओ कोई, सब मेंबर है, ठीक है हमने लोगों को भूखों को खाना खिलाना है, आप हमारे साथ ताउन कर दें, जहाँ पे आप रोज 20 देके बनाते हैं थोड़ा सा हमें कोई मोहब्बत कर लें, पैसे मिलेंगे कोई हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लें हमारी टीम का हिस्सा बन जाए, अच्छा ईमानदारी से हमें खाना दे दिया करें। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, हमने बजट बनवाया तो उसने कहा जी 7,000 रुपये में आपको बिरयानी की देख शायद 15 किलो 200 बंदा खा लेगा। अच्छा हमने कहा ठीक है ठीक है, तब चिकन भी सस्ता था अब तो रेट बढ़ गए हैं, अब तो 10,000 में बनती है, तो हम 7-8 लोग थे, मैंने कहा जी सबने 1,000-1,000 रुपये जमा करवाना, मजा तब भी आता है जब अपनी जेब से निकाल के किसी की मदद करो, मदद करो फिर मजा था वाकई बिल्कुल। तो दोस्तों ने कहा जी ठीक है हम कल परसों तक आपको पैसे देंगे आप कर लेना। हमने ले जी 1,000-1,000 रुपये जमा किया, 7,000 रुपये देख वाले को दिया, हमें देख मिल गई, तो तब हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं होती थी, 2 साल पुरानी बात है। तो इस काम के बाद अल्लाह ने इतने रंग लगाए मैं सारे बताऊंगा। तो मेरे पास बाइक ही होती थी, दोस्तों के पास भी बाइक्स, तो हमने उनके पैकेट्स बनाए, बना के 100-200 पैकेट्स बनाए, और बाइक पे हम 2-2, 3-3 बैठ के हमने डिफरेंट लड़कों की इलाके बता दिए, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं तो हमें आइडिया होता है कि किस इलाके में खानाबदोश रहते हैं, गरीब आबादियाँ किधर हैं, कच्ची आबादियाँ किधर हैं। तो हम रावी से उस साइड पे निकल गए, शादरा बेगमकोट साइड पे जहाँ पे झुग्गियाँ वगैरह स्लम्स एरिया, तो वहाँ पे हमने खाना जाके तकसीम किया। यकीन करेंगे साजिद भाई के जो खाना यहाँ पे कोई लेता नहीं है लाहौर में, वो वहाँ पे वो बच्चे हमारे पाँव में गिर रहे थे देख के, क्या बात, लड़ रहे थे कि हमें बिरयानी खानी है, जबरदस्त। तो वो चीज़ की ना मेरे दोस्त ने कोई अच्छा, ये वीडियो मेरा एक दोस्त बना रहा था पीछे से, हम खाना बांट रहे थे, तब ये हमें नहीं आइडिया, कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो हम इसलिए जरा हो गए हुए थे क्योंकि हमने वो अम्मा जी वाला जो वाकया हुआ था ना हमारे साथ, बिल्कुल, तो उसके हमने भी वीडियोस बनाई थी ताकि काम आ जाए कहीं पे कोई मसला तो हम दिखाएंगे ये मामला था अम्मा जी को कोई उतार गया था, बिल्कुल ठीक। तो दोस्त ने वीडियो बनाई, उसने कहा यार ये देख मैंने वीडियो बनाई है, इमोशनल बच्चों के इमोशंस देख यार, तू बिरयानी दे रहा था तो पीछे से जो रहे आ रहे थे बच्चे, और वो बिरयानी जब तू दे रहा था वो हंस रहे थे देख के, वो स्माइल देख, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की स्माइल थी जब तूने उसको बिरयानी दी है, जबरदस्त। हमने साजिद भाई उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्या बात। मैं कहता हूँ 2-3 दिन में उस वीडियो पे कोई शायद 7-8 लाख व्यूज आ गए, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं नीचे के यार हमारी तरफ से भी खाना बांटोगे, अच्छा जबरदस्त, मतलब वेरी फर्स्ट डे से ही शुरू हो गया, हमें लोग हमारे रिश्तेदार हमारी मीडिया के जो सारे ऑफिस के कलीग्स हैं जो बॉस हैं ओनर्स हैं चैनल्स के, उन्होंने कहा कि बेटा कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम आपको खाना दें तो आप बांट दिया करोगे,
हमने कहा वाई नॉट सर, हम तो ये करना ही चाह रहे हैं। क्या बात, अल्लाह ने रास्ता बना दिया, आइडिया कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, बैठे बैठे दोस्त ने कहा जी क्या करना है, कोई नाम होना चाहिए यार, कोई हमें बताया क्या कहें उसे। मैंने कहा यार हम क्या काम कर रहे हैं, हम जहेज तो दे नहीं रहे, हम दवाइयाँ तो दे नहीं रहे, हम खाना दे रहे हैं, हम फूड बॉयज हैं। फूड बॉय, उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने बैठे बैठे फेसबुक पे पेज बनाया फूड बॉयज का, हमने वो वीडियोस पे डालना शुरू की। वीडियोस बनाने का मकसद हमारा दिखावा करना नहीं था। पहली तो हमने जो बना के खुद से डाल दी, उसके बाद हम पास से तो कर नहीं रहे थे। साजिद भाई हमें खाना दे रहे हैं, ये कैमरा मैन बैठे हैं, मसूद भाई हमें कहते थे हमजा खाना दे, तो इसमें हमजा तो कोई तीर नहीं मार रहा। बिल्कुल सही है, हमजा ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे अब लोग आके चीजें दे सके नीडी पर्संस को। तो मेरा मकसद वो था, हमारा पेज बन गया, सही हो गया। तो वीडियोस फिर लोग मुझे अक्सर वो बड़ा नेगेटिविटी भी क्रिएट करते हैं जी, तुसी दिखावा कर दे हो, ये कर दे हो, वो करते हो। मैं उसमें ये कहता हूँ कि यार अगर आपकी वीडियोस देखने से कोई नेकी का अमल करे तो ये किस तरह की नेगेटिविटी होती है, तो ये भी एक नेकी का बढ़ता रहता है। मेरे पास भी ना इसका बड़ा अच्छा सा एक सलूशन भी है, और जिस तरह हमजा कह रहे हैं एक इंस्पिरेशन भी होती है। लेकिन यहाँ पे हमजा की मैं बात लाजमी फिर करूँगा कि लोगों ने जब भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस देखी है इन्होंने अपने चेहरे ढांपे होते हैं, फेस छुपाए होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं क्यों किसी को जेन में ये ना आए कि यार ये फलां लड़का आया था, क्योंकि अगर हमजा अगर टीवी शो कह रहा है इसकी एक पहचान है हमजा, अगर अपना चेहरा ढांप रहा है तो हमजा को कोई नहीं पहचान रहा, तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू है। मैं बताता हूँ हम मशहूर क्यों हुए थे लाहौर में। मैंने जब ये काम शुरू किया ना, तो मैंने कहा यार देख मैं हूँ मीडिया वाला, तो मीडिया वाले बड़े बदनाम हो जाते हैं फौरन के पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार कि कुछ क्या करें फिर। मैंने कहा यार हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम खाना भी बांट रहे हों, हम वो लोगों को दिखा भी रहे हों, मगर उसमें हमारी शक्लें ना आए। कल को कोई बंदा उठ के मुझे थर्ड पर्सन ये ना कहे कि हमजा भट्ट अपनी टीवी की कोई रेटिंग शेटिंग या एडवर्टाइजमेंट के लिए नेकियों के काम कर रहा है, उसमें हमारी शक्ल ना आए। तो फिर मुझे ऐसे ही आइडिया आया, हमने कैप्स पहनी, हमने वो डॉल्फिन फोर्स वाले मास्क ले लिए, तो हमने एक ग्रुप बना लिया लाहौर में फूड बॉयज। फिर मैंने दोस्तों से पूछा कौन कौन मेंबर बनना चाहता है, कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। दोस्त मैंने व्हाट्सएप पे लगाया, 25-30 इकट्ठे हो गए। एक भाई है मेरे बड़े अच्छे, वो हुडीज बनाते हैं फैक्ट्री है उनकी, उन्होंने कहा जी के आपको मैं कैप्स वाले हुड बना के दूंगा, आपके फेस छुप जाएगा। उन्होंने हमें 25-30 हुड वैसे ही डोनेट कर दिया। क्या बात, हमारे इस काम के लिए बकायदा फूड बॉयज प्रिंट करवा गए, हमें आइडिया भी नहीं हमारा कोई कैसे कैसे फूड बॉयज बन रहा है, हमें हुड उधर से आगे फूड बॉयज लिखा हुआ है। एक दोस्त था उसने कहा यार कैप्स नहीं पहनते, मेरा कैप्स का कैम है, फूड बॉयज लिखवा के मैं कैप्स दे देता हूँ। गुड हो गया, मैंने कहा यार ठीक है, हमें कैप्स दे दी उसने, बैठे बैठाए हमारे फूड बॉयज के मेंबर्स तैयार हो गए।